बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में जो बिगड़ते हालात हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। ताज़ा तरीन वहाँ की क्या सूरत हाल है और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो इसराइल को ना तस्लीम करने का ऐलान किया है असरात क्या पड़ेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं शेख अब्दुल मतीन साहब जो हुर्रियत लीडर हैं। शेख साहब आपको खुशामदीद कहेंगे और आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे कि आप क्या कहते हैं कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया है इसराइल को ना तस्लीम करने का, इसके असरात आपके नजदीक क्या होंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आली मोहम्मद। देखिए जी, पाकिस्तान के वजीर आजम ने ये जो ऐलान किया है इसराइल को न तस्लीम करने का, ये तो एक पाकिस्तान का उसूली मौकफ है और हमें ये देखना चाहिए कि जहां पे भी मजामत होती है उनके लोगों को देखना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। यानी फलस्तीन का जहां तक मसला है वहां पर हम क्या देखते हैं, जबरन एक कब्जा हुआ है, ठीक है। और इस हवाले से जो पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा उन्होंने सही कहा है और हम इसको सराहते भी हैं। अगर आप इसी को देखेंगे मकबूजा कश्मीर के हवाले से तो वहां पे भी एक कब्जा है भारत का, और ये कब्जा कब से है, जब 1947 यानी 27 अक्टूबर को कश्मीरियों के विल और विश के खिलाफ भारत ने वहां पे एक शबखून मारा और वो दाखिल हो गए। और उसके बाद अगर आप देखेंगे 47 से लेके आज तक अगर हम देखेंगे जो फौज उन्होंने वहां पे दाखिल कर दी, और आप देखेंगे उस फौज में उन्होंने आज तक इजाफा किया है और इस वक्त जो है 10 लाख से ज्यादा फौज वहां पे मौजूद है। यानी मकबूजा कश्मीर की जो इस वक्त भी सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर है, और मकबूजा कश्मीर में जो आवाज है, जो नारा है, वो बिल्कुल उसी तरह बदस्तूर है, जारी है। इसलिए आप देखते हैं कि वहां पे हिंदुस्तान जो है अपने फौजों को कम तो नहीं करता बल्कि उसमें इजाफा करता है। इसलिए हम पाकिस्तान के वजीर आजम के इस बयान को सराहते हैं और हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि जहां पर भी मजलूम है वो जब अपनी जुदोजहद को और अपनी तहरीक को जारी रखते हैं तो वो एक वक्त जरूर आता है जब उनको वो हक दिया जाएगा। देखो, पाकिस्तान किसी दबाव में नहीं आया और उन्होंने इसराइल को न तस्लीम करने का जो ऐलान किया, सऊदी अरब ने भी ये ऐलान किया कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, क्या असरात पड़ेंगे आने वाले दिनों में। देखिए, मुस्लिम उम्मा का एक फर्ज है, क्योंकि जो फलस्तीन का मसला है या जो कश्मीर का मसला, ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना मसला है। तो खासकर जो हम बाकी लोगों को जो है अक्वामे मुत्तहदा को या बाकी जो है ताकते हैं उनको हम बोलते हैं कि आप इंडल्ज कर ले या आप इस हक के मसले के हवाले से बोले, वो तो एक अलग है। ये तो मुस्लिम उम्मा है, चाहे सऊदी अरबिया है या कोई और मुस्लिम ममालिक है या हमारा अपना पाकिस्तान है, तो उनका ये हक बनता है कि जहां पे भी मुस्लिमों की आवाज है और जो एक पुराना मसला है। अब अगर आप कश्मीर के मसले के हवाले से मैं बात करूंगा, अक्वामे मुत्तहदा में करारदादे मौजूद है और खुद भी जो हिंदुस्तान के वजीर आजम आज या पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उसने इस वादे को दोहराया है, न सिर्फ अपनी पार्लियामेंट में दिल्ली में, मकबूजा कश्मीर का लाल चौक गवाह है जहां पे उन्होंने बताया है कि कश्मीर के अवाम को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक हक दिया जाएगा कि वो अपना फैसला करे, लेकिन आज तक वो हक नहीं दिया गया। इसलिए ये जो है फलस्तीन का जो मसला है, जो पाकिस्तान के वजीर आजम या दूसरे ममालिक ने ये स्टैंड लिया है, उन पर यह मैं समझता हूँ फर्ज भी है कि वो स्टैंड ले, क्योंकि मजलूमों के साथ जो जुल्म जारी रखा गया है चाहे फलस्तीन का और कश्मीर का, अगर आप इसको देखेंगे, इस एनेक्जेशन को देखेंगे, और जो ये भारत है जिसको हम बीजेपी कहते हैं जो इस वक्त हुकूमत में है, और जो मोदी जिसको हम समझते हैं कि सबसे जगत बड़ा दहशतगर्द है वो मोदी है, इसराइल और भारत का एनेक्जेशन है और दोनों उस पैटर्न पे है। अब जो इसराइल, ये हम फलस्तीन की बात अगर आप करेंगे, जो भारत ने 5 अगस्त जो पिछले साल उन्होंने एक दोबारा एक शब्द खून मारा और बड़ा शब्द खून मारा है, और उन्होंने जो उनका अपने आईन में दी गई खसूसी हैसियत थी यानी 370 आर्टिकल या 35A उसको उन्होंने एब्रोगेट किया। लेकिन मैं आपको राशिद साहब ये बात जरूरी बताना चाहूंगा, कश्मीरों की असल में जो आवाज है वो है आजादी की आवाज। हम क्यों इसकी मजामत करते हैं कि इसके पीछे जो गुनावनी उनकी साजिशें हैं या जो ऊंचे एक्सटेंडे उन्होंने इस्तेमाल किए और अमलन अब उसमें उन्होंने उसके उस पर इकदाम भी उठाए, यानी 27 जून को उन्होंने ये कानून लागू किया और 27 जून तक अगर आप आज तक देखेंगे
4 लाख से ज्यादा गैर रियासती बाशिंदों को डोमिसाइल दिया गया, यानी 4 लाख जो गैर रियासती बाशिंदे हैं उनको कश्मीरी बाशिंदा बनाया गया। तो इसमें इसलिए फलस्तीन की तहरीक और कश्मीर की तहरीक में मुवासलत है और हम चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उम्मत मुस्लिमा जो है वो इसके लिए। लेकिन एक सोशल मीडिया पे एक जो तस्वीर वायरल हो रही है और वहां देखा जा रहा है कि शोदा की कब्रों पे पाकिस्तान के परचम नजर आ रहे हैं, ये जज्बा जो है वहां बढ़ रहा है और हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत बढ़ रही है, इन आलात को आप किस नजर से देख रहे हैं और वहां की इतलात क्या है ताजा तरीन आपके पास? देखिये आप देखिए जब बरसगीर ये नहीं तकसीम हुआ किस नजरिया पे हुआ है, ठीक है ना? ठीक है, दो कौमी नजरिया पे हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उस वक्त होना चाहिए था, जो एक साजिश की बात लंबी हो जाएगी उस तरफ मैं नहीं जाऊंगा, यानी दो कौमी नजरिया के तहत ममालिक दो वजूद आया और कश्मीर का जो फैसला अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, और जो पाकिस्तान और ये कश्मीर जो है ना ये लाजमी मलजूम है, ये आप समझे ये रूह और जिस्म की मानंद है, ये आप समझ लीजिए कि जो कोई कॉइन है उसके दो साइड्स है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो भी पाकिस्तान में मैं आपको बताऊंगा कोई चीज होता है उसका डायरेक्ट असल मकबूजा कश्मीर पे मतलब होता है, तो कश्मीरियों और पाकिस्तान जो है वो एक है। अब हम इसको ये इस तरह कह सकते हैं जिस तरह आपने कहा गया कब्रों में, बल्कि हमारे जो आबा अजदाद है जो फोत हुए हैं जो उन्होंने आजादी नहीं देखी है, लेकिन उनकी जो आखिरी ख्वाहिश थी वो ये थी कि जब भी पाकिस्तान बने तो आप हमारे कब्रों में, यानी ये एक बात है, सुराख करके बताना कि हमें आजादी मिली और यहाँ पे पाकिस्तान मिला है। इसलिए पाकिस्तान जो और कश्मीर जो है वो अलग अलग नहीं है। इसीलिए कायद जो हमारे हैं जो किबला मुहतरम है सैयद अली शाह गिलानी साहब, उनका नारा क्या है, उनने कहा हम पाकिस्तानी है पाकिस्तान हमारा है। उनने क्या कहा है, उनने कहा कि अगर भारत सड़कों पर तारकोर के बजाय जो है सोना भी बिछा देंगे तो हम इस नजरिया से और इस तहरीक से दस्तबरदार नहीं होंगे। इसलिए पाकिस्तान और जो कश्मीर है वो हम समझते हैं एक है, तो इंशाल्लाह वो वक्त जरूर आएगा। लेकिन एक तरफ ये जज्बे हैं और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की दहशत है वहशत है, फिर कैसे शिकस्त देगा हिंदुस्तान इन जज्बों को? देखिए असल में हमें एक चीज राष्ट्र साहब देखना चाहिए कि किसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। जहां तक हम मकबूजा कश्मीर के लोगों का और आवाम का जब ताल्लुक हम देखते हैं तो अपनी इस जुदोजहद को वो जारी रखे हुए अपने खून से और मुसलसल वो कुर्बानियां दे रहे हैं। ठीक है, अब जहां तक हमारा पाकिस्तान का ताल्लुक है, ठीक है ना, मैं ये समझता हूं और हम ये चाहते हैं कि जो भी पाकिस्तान ने आज तक किया हम उसको सराहते हैं, ठीक है ना, चाहे डिप्लोमेटिक लेवल पे या किसी और, लेकिन कश्मीर का जो है असल में एक महाज नहीं है, ये सिर्फ सफारती महाज नहीं है, ये कोई आपका एक महाज डिप्लोमेटिक महाज नहीं है या ये कोई मीडिया महाज नहीं है, यानी ये हम समझते हैं जो कश्मीर की तहरीक है इसको हमें टोटलिटी में देखना चाहिए, यानी इसका मुख्तलिफ महाज है और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम हर महाज पे एक्टिव रहे और उसको कंसिस्टेंसी के साथ चलाए, ये नहीं हो कि वक्त हो तो फिर बैठ जाए। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह, क्योंकि हम समझते हैं जो कश्मीरियों की ये जुदोजहद है ये उसूलों पे मबनी है, अकवामे मुत्तहिदा की करारदादे मौजूद है और कश्मीरियों को मैं आपको जहां तक मैं आपको बताना चाहूंगा, आप देखे वो थके नहीं, वो झुके नहीं, वो बिके नहीं, वो रुके नहीं, वो मुसलसल कुर्बानियां दे रही है और इंशाल्लाह ये कुर्बानियां जाया नहीं होगी और एक दिन जरूर आएगा कि कश्मीरी आजादी। आप कितनी कामयाबियां देख रहे हैं और कितना बेहतर आना चाहिए? देखिए जो भी सफारती सतह पे अभी तक पाकिस्तान ने कोशिश की है, खासकर जब अगर हम इस मौजूदा हुकूमत की करेंगे हम इसको सराहते हैं, लेकिन हम ये साथ भी समझते हैं इतना ही काफी नहीं है, मजीद करने की जरूरत है, क्योंकि जो हमारा दुश्मन है वो भारत है, वो चाकिया का फॉलोअर्स है, वो तंतीरे बदलता रहता है, वो जब देखता है कि थोड़ा सा सख्ती है मुझ पर वो बातचीत का डोंग रचाते हैं, क्योंकि अगर आप माजी की तरफ देखेंगे तो फिर क्या करता है वो टाइम डिले करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कश्मीरों की शिनाख्त को उसने हिंदुस्तान एक्सपोज नहीं हुआ दुनिया के सामने, क्यों नहीं हो, हिंदुस्तान तो एक्सपोज भी होगा, ये सिर्फ आप देख लीजिए कश्मीर का तो एक बुनियाद है कश्मीर के मसले के हवाले से। मैं आपको बताऊंगा ये जो सेकुलर और ये जो डेमोक्रेटिक सो कॉल्ड अपने आप को कहते हैं कि हम हैं, अब ये लोगों पे वहां पे सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं जुल्म किया जाता है या मुसलमानों के साथ नहीं दोरा मयार रखा जा रहा है, वहां पे आप अगर देखेंगे जो दलित है ये जो बाकी सिख है या बाकी अकलियतें हैं उनके साथ भी जो, क्योंकि माजी में अगर आप देखेंगे ये जो हड़ताल वहां पे हुई है ये जो आग उधर लगी हुई थी वो इसी वजह से, क्योंकि भारत का दोहरा मियार है और ये जो है हिंदू परस्तराना जहन जो है वो चाहता है कि हम भारत को अखंड भारत बनाएंगे, इसलिए वहां पे जो भारत है वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के साथ
सामने अब एक्सपोज वाकई हो रहा है, इसीलिए दुनिया के अखबार भी अब लिख रहे हैं और सफारती सतह पे भी इसकी मजम्मत की जा रही है। सलामती काउंसिल में ये मसला भी गया है, जेरे बहस भी आ रहा है, क्या आप समझते हैं कि अब वक्त नहीं आ गया कि अकवाम मुत्तहिदा वो किरदार अदा करे जो उसका बनता है? देखिए, हम कहते हैं कि वक्त अभी नहीं, पहले भी आया है, ठीक है ना, क्योंकि अकवाम मुत्तहिदा का ये फर्ज बनता है। अब आप देखें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन में जो अगर आप रिपोर्ट देखेंगे ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और उन्होंने वो भी अपने रिमोट जराए से, वो वहां पे दाखिल नहीं हुए फिजिकली, वरना वहां पे जो जुल्म है, जो जबर है, जो मोलेस्टेशन है, जो गैराव है, जो जलाव है, जो वहां कब्रें जो आबाद उन्होंने जिस तरह की है, जो मिस्टीरियस कब्रें वहां पे दरियाफत हुई है, या जो इंट्रागेशन में कश्मीरियों के साथ जो सलूक रखा गया है, तो वहां पे उन्होंने उसकी अकासी की है। यानी 2018 में भी एक रिपोर्ट आई और जून में, और 2019 में ह्यूमन राइट्स कमीशन के हवाले से रिपोर्ट आई। यानी अब तो जवाजत की जवाजत बनती है। तो दूसरी तरफ हम ये कहेंगे कि ये सितम जरीफी है, कभी हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते क्या हमारे रगों में वो खून नहीं है जो बाकी इंसानों में जोड़ता है। बिल्कुल अकवाम मुत्तहिदा को आलमी ताकतों का एक किरदार बनता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम समझते हैं हमारे साथ दोहरा मियार जारी है। बिल्कुल सही है। लेकिन मकबूजा कश्मीर के बहादुर अवाम को आपका मैसेज क्या होगा शेख साहब? देखिए, मकबूजा बशीर के बहादुर अवाम को हमारी तरफ से क्या मैसेज है, उनकी तरफ से ये मैसेज है कि हमने अपने महज को संभाला रखा हुआ है और हम उनके उस जुदोजहद को सलाम पेश करते हैं, और हम उनको बताते हैं कि जो भी बाहर है, जो भी हम मेरा अपना फर्ज बनता है, जिस लेवल पे बनता है, हम भी आपके साथ हैं, हम आप पाकिस्तान ये अलग नहीं, आजाद कश्मीर ये सब एक है। तो हम उनके उस जुदोजहद को सलाम पेश करते हैं और हम उनको कहते हैं कि इंशाल्लाह देर सवेर हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह कश्मीरियों की जो है आजादी मुकद्दर बन जाएगी। तो ये आजादी का सूरज जल्द वांतलू होगा। और नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं। जरूरी है इस एक फरसूदा रिवायत को तर्क करना, ऐसे बंदे से शादी की जो मेरे बाप से 3 साल छोटा था। हम लोग असली इस्लामिक ज्यूइश स्टूडेंट्स की तरफ नहीं जाते हैं, हम लोग बे इलाम की तरफ जाते हैं। हमारे बड़ों का एक गलत फैसला, जो पूरी नस्ल को तबाह कर सकता है। बच्चे भी पैदा भी नहीं हुए होते और उनके लिए जिंदगी के फैसले कर दिए जाते हैं। बात तालीम की भी है, बात सेहत की भी है, बात जिंदगी की भी है, बात हकूक की भी है। बेसिकली कम उम्र शादी का तशद्दुद है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदेद, और बात हो रही है अब शजरकारी के हवाले से। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुद इसका इफ्तिताह किया, और आजाद कश्मीर में भी देखा जा रहा है कि बड़े जोरों शोर से इस मुहिम का आगाज है। हर तरफ देखा जाए तो वहां पौधा जात लगाए जा रहे हैं। आमर महबूब साहब जो सीनियर सहाफी हैं हमारे साथ शामिल हैं। आमर साहब, आपको खुश आमदेद कहेंगे, क्या कहते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस शजरकारी का कि आजाद कश्मीर के जो वसी रकबा जात हैं, जो इस तरह के अगर गने जगलात वहां उगाए जाएं, तो क्या समझते हैं कि मौसमियाती तब्दीलियों में कितने सूदमंद साबित हो सकते हैं? देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जिंदगी और दरख्त लाजम व मुलजूम है। दरख्त ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन से जिंदगी है। ठीक है, मैं समझता हूँ। एक तो ये बड़ा खुशाइंद है, जैसे मौसमी हालात बदल रहे थे, ग्लेशियर पिघलने जा रहे थे, ओजोन की लहर का इशू था, तो ये सारा कुछ जरूरी था ग्लोबल वार्मिंग के तनाजर में। तो ये एक अच्छा इकदाम है और इससे बहुत से मस्बत असरात जो हैं वो सामने आएंगे। जहाँ तक दरख्त लगाने से, तो मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर हो या जितने पहाड़ी इलाका जाते हैं पाकिस्तान समेत, उसके ज़्यादा गहरे असरात इसलिए हैं कि एक तो ये बात है कि लैंड स्लाइडिंग जो है, ठीक है, वो ख़त्म होती है। और हमारे यहाँ हर साल जो है सैकड़ों लोग पहाड़ियाँ गिरने की वजह से अपनी जानों से चले जाते हैं, हादसा का शिकार होते हैं। इसी तरह जो है जो फ्लड है उसको भी रोकने का जो बड़ा जरिया है वो दरख्त है। ठीक है, मौसम में बेहतरी लाने के लिए भी दरख्तों की ही जरूरत है।
अगर आपने अपने डैमों को बचाना है उसमें मिट्टी ना पहुंच सके उसके लिए भी आपको वो जरूरत थी। मैं समझता हूँ कि एक जो बेदरेज कटाई होती रही पिछले 70-75 साल से और उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई और अब दरख्त काटने के बजाय दरख्त लगाने की तरफ हम गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये पहला मस्बत कदम है जिसके हमारी जिंदगियों के ऊपर भी असरात मुरतब होंगे, जिसके ऊपर हमारे वेदर के ऊपर भी असरात मुरतब होंगे, जिससे हमारी बारिशों का जो है वो तनासब बढ़ जाएगा। बारिशों के तनासब बढ़ने से हमारी अभी जो किल्लत है उसके ऊपर जो है वो बड़े मस्बत असरात होंगे। इसके अलावा आप उसका जो एक पहलू है के दरख्तों के साथ जो है वो बहुत सारे जंगली हयात जो है उनकी जिंदगी है, चरिंद और परिंद की जिंदगी है जो उनके ऊपर घोंसले बनाते हैं, जो उससे खुराक हासिल करते हैं, जो बड़े दरख्त हैं उनसे हमारे माल मवेशी और ये जो गोश्त की सनत है, मीट की जो सनत है, इसमें इजाफा होता है। मैं समझता हूँ कि ये इससे जो है हम देख रहे हैं। दूसरी जो राशिद साहब, मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ यही काफी नहीं है, बेसिकली शजरकारी के बजाय हमें शजर परवरी की तरफ भी तवज्जो देनी है, उसकी जो प्रोटेक्शन है दरख्तों की जो प्रोटेक्शन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अभी आप ये देखें कि हर साल शजरकारी होती है, इस साल तो चले बहुत बड़ी सतह पर हुकूमत ने एक मोटो के तहत किया है, अदरवाइज हर साल शजरकारी होती है, साल में दो दो बार शजरकारी होती है। अब वो दरख्त लगते हैं तो जाते किधर है, बिल्कुल सही है, उनके ऊपर भी जो है वो बेहतर अंदाज से मेरे ख्याल में उनकी हिफाजत का प्रॉपर इंतजाम ना होना एक तो ये बात है। दूसरी ये बात मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, मैं शजर लगाना, शजर उगाना, उसकी परवरिश करना ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, हमें प्राइवेट सेक्टर में, हमें पब्लिक में बिल्कुल जो है अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए। लोगों को दरख्त लगाना जहां पे जगह मिले, अगर आपको अपने घर में जगह मिलती है, आपको अपने गांव में जगह मिलती है, आपको किसी पहाड़ी के किनारे जगह मिलती है, आपको किसी दरिया के किनारे जगह मिलती है, तो आप जो है इसे उगा के, दरख्त को लगा के और एक दरख्त की परवरिश करके, मैं समझता हूँ कि ये कौमी खिदमत है, ये पूरी दुनिया की खिदमत है, ये इंसानियत की खिदमत है और इंसानियत के साथ ये दीगर मखलूकात की भी खिदमत है। देखो आम सब क्या समझे कि जो वफाक की तरफ से फंड भी मुहैया किए जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से, आजाद कश्मीर हुकूमत आपको संजीदा नजर आती है इस मनसूबे के हवाले से, वो कितनी दिलचस्पी रखते हैं? देखिए अभी तो बाजार काम शुरू हुआ है, आज से बाकायदा जो है वो आगाज हुआ है, ठीक है, तो इसे देखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सिर्फ फंड्स की बात नहीं है या संजीदगी की बात नहीं है, फंड देने वालों को भी इसके ऊपर चेकआउट रखना चाहिए, फंड खर्च करने वालों को भी इसके ऊपर चेकआउट रखना चाहिए। मैं बताऊं कि हुकूमतों के पास अपने सियासी कारकुनों को ओबलाइज करने के लिए, अपने सपोर्टर्स को ओबलाइज करने के लिए बहुत से जराये होते हैं, लेकिन ये मुसीबत, लेकिन ये जो है ये जो फरस्त है ये बेसिकली जो है मैं समझता हूँ इसे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे लेना चाहिए, इसे इंसानियत की बका की तौर पर लेना चाहिए और इसके ऊपर जो है तवज्जो रखनी चाहिए। मैं एक और भी समझता हूँ कि इसे अगर हम हुकूमत के बजाय अगर हम इसे को प्राइवेट उसमें चले जाते और जहाँ पे ऐसी जो एतमाद साजी की फिजा नहीं है, या पाकिस्तान में जिस तरह माजी में करप्शन होती रही है या लोगों को नवाजने का सिलसिला जारी होता रहा, तो मैं समझता था कि अगर ऐसे कोई हो जाता कि दरख्त जो है लगाने वाला और होता, उसका ऑडिट करने वाला कोई तीसरा होता, उसका आपस में कोई तल्लक ना होता, ठीक है, और जिस तरह कोविड के दौरान इस मौजूदा हुकूमत ने, आपको याद होगा कि कुछ जगह पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जरिए उसके तावन के साथ लोगों ने दरख्त लगाए और उसके ऊपर उन्होंने लोगों को पे किया था। एक आज जो है मैं कह रहा हूँ कि इन्हें पे करने के बजाय किसी प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा काम किया जा सके, लेकिन मैं समझता हूँ कि दरख्तों को लगाने और उनको चेक करने के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए और खासतौर पर वो जो दरख्त कौमी वसाइल इस्तेमाल करके लगाए जा रहे हैं उसके लिए आजाद कश्मीर में खालिस्तन इस बात की जरूरत है कि वो चेक किए जाएं कि वो दरख्त कहाँ लगे हैं, उनका मियार क्या है, और जब ये लगे मैं कहता हूँ कि अगर हम ये नहीं हम चार साल से देख लें, पांच साल से देख लें कि जो पांच साल पहले लगे हैं वो दरख्त किधर है, उनकी एज जो है, क्योंकि आजकल हर एक बहुत जो है वो पता लग जाता है कि एक साल में इस दरख्त ने 6 इंच बढ़ना है या साल वो बढ़ना है, और इस तरह मखसूस किस्म की जो है हमें जो है वो फलों वाले दरख्त लगा के हम उसे जो है अपने फ्रूट की सनत को भी फरोख दे सकते हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो जंगलात के पास खाली रकबा जाते हैं उनको ही कवर किया जाए तो ये मनसूबा तो सूदमंद साबित हो सकता है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक तो ये बात है कि हमारे यहाँ जो है वो सरकारी जमीन का तसरफ जो है वो या तो कब्जा होता है
तो मेरा ख्याल है कि इसे एक तो ये बात है कि हमें जंगलात की जो जमीन है उसके ऊपर तो 100% फॉरेस्टेशन होनी चाहिए, जंगलात का कानून भी सख्त, जंगलात के कवानीन भी सख्त हैं उसके। मैं ये कह रहा हूँ एक तो जंगलात है ना, एक तो जंगलात वालों ने जंगलात को तो करना है। मैं तो कहता हूँ कि आपको जो है ये चीजें ये इस उगाने के लिए आपको जो लैंड है वो आपको हुकूमत को एक्वायर कर लेनी चाहिए, हुकूमत को खरीद लेनी चाहिए अगर कोई ऐसी जमीन है जहाँ पे दरख्त लगाए जा सकते हैं। और कुछ इलाकों में दरख्तों की इकसाम है, जैसे इमरान खान साहब के मियाँ वाली में और तरह के, उधर एक बिलियन ट्री का मनसूबा है तो उधर और तरह के दरख्त लग रहे हैं। उधर यूकलिप्टस के लिए उन्होंने लोगों को कहा हुआ है कि 4 एकड़ के ऊपर अगर आप लगाएंगे तो हम जो है वो आपको सोलर लगा के देंगे, उसका पानी प्रोवाइड करेंगे। और इस तरह के जो है छोटे छोटे मनसूबे अगर 4 एकड़ के ऊपर या 8 एकड़ के ऊपर आजाद कश्मीर में शुरू किए जाए, उन लोगों को सोलर एनर्जी के जरिए पानी लगाने की सहूलत दे दी जाए, तो वो कहते हैं कि 5 साल में जमीन की कास्ट पूरी कर लेते हैं। तो इस तरह के जो है लोगों को अट्रैक्ट करना चाहिए। नीलम वैली में अगर देखा जाए तो जो नीलम वैली की खूबसूरती है वो दरख्तों की वजह से है, लेकिन वहाँ दरख्तों का कटाव भी सबसे ज्यादा होता है क्योंकि बर्फबारी होती है, लोग ईंधन के तौर पे इस लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं। वहाँ अगर ये सिस्टम लगाया जाए, पन बिजली के मनसूबे लगाए जाएं, छोटे छोटे मनसूबे उनको लगाए जाएं, तो इससे भी दरख्तों के मुतबादल एनर्जी के सोर्सेज तो आपने देने हैं, अदरवाइज लोगों को वो है। लेकिन मैं आपको बताऊं राशिद, जब दरख्त जो है ना एक उम्र में पहुंच जाता है, ठीक है, अगर उससे जड़ से आप ना काटें तो आप जो है बालन की जो आपकी जरूरत है वो दरख्त के जो टहनियां और छोटी मोटी शाखें हैं वो पूरी कर देते हैं। फिर ये बात है कि दरख्त जो है वो कुदरती जो है जंगलों का कानून है कि जब जंगल बड़े हो जाते हैं तो वो खुद जो है अपने बीज फेंकते हैं, तो उससे वो खुद रोब भी होते हैं। मैं उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मुतबादल एनर्जी के जराये देना तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि दरख्त को काटने के ऊपर, खास तौर पे सब दरख्त को काटने के ऊपर इंसानी जराइम जैसे सजाएं होनी चाहिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं समझता हूँ कि महकमा जंगलात के जो लोग एक हमारे आजाद कश्मीर में तो कटाई इस तरह हुई है, इस बेदर्दी के साथ हुई कि उसे एक बिजनेस के तौर पे लिया जाता रहा और तमाम पाबंदियों को, अभी भी आपने सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले देखा होगा, तो तमाम पाबंदियों को जो है वो छोड़ के जब वो काटने पे आते हैं तो कहा एक माफिया है। तो मैं समझता हूँ उस माफिया के भी सर को भी करने के लिए। आप क्या समझते हैं कि जो टूरिज्म है, सयाहत है, वो और जो जंगलात हैं, दरख्त हैं, ये कितना लाजम मलजूम है? देखें, एक तो ये बात है कि लाजम मलजूम तो हैं। मैंने आपको बताया था कि जो दरख्त है वो जिंदगी है, ठीक बात, और दरख्त खूबसूरती है। दरख्त जो है वो मौसम है, दरख्त जो है वो बारिश का सबब बनेंगे, दरख्त से वाटर लेवल ऊपर आएगा, मतलब दरख्त जो है आप जो है वो बेसिक जो है वो चीज। फिर अल्लाह के फजलो करम से हमारे आजाद कश्मीर में जो वेदर है वो बहुत खूबसूरत है, उसके साथ जो है जो सीनरी है वो उससे ज्यादा खूबसूरती है। और इससे मैं समझता हूँ कि एक तो ये पहलू है कि हमारा टूरिज्म जो है दुनिया भर में बहुत से ममालिक जो हैं वो टूरिज्म के उनके ऊपर मईशत उनकी बेस करती है। हमारे यहाँ भी टूरिज्म को एक सनत का दर्जा मिलना चाहिए। और हमें दो नुक्ता नज़र से, एक तो ये हमारा नुक्ता नज़र है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से कि हमें कंपेरिजन हम करते हैं मकबूजा कश्मीर के हालात से, इंडियन ऑक्यूपाइड और हुकूमत के, जब हम आज़ाद कश्मीर का अमन दुनिया को दिखाते हैं, वो अगर पहले NOC की पाबंदी थी, अब मौजूदा हुकूमत ने वो भी खत्म कर दी, तो अब दुनिया का कोई बंदा भी आजाद कश्मीर में जा सकता है। और जब आजाद कश्मीर में जा सकता है तो उसे आजाद कश्मीर को देखना चाहिए। तीसरी ये बात है कि आजाद कश्मीर जो ऐसी सेंट्रल प्लेस है कि रावलपिंडी से आप अगर आपने मीरपुर जाना है तो 1.5-2 घंटे में आप मंगला डैम जैसे खूबसूरत झील के ऊपर पहुंच जाएंगे, 3 घंटे में आप रावलाकोट की खूबसूरत पहाड़ियों और वादियों में पहुंच जाएंगे, 5 घंटे में आप वादी नीलम दुनिया की जो है वो खूबसूरत तीन वादियों में आप पहुंच सकते हैं, 5 घंटे में आप फॉरवर्ड कोटा, मगर 2 से 5 घंटे के दरमियान आप किसी जगह पे नहीं। अगर आपको गिलगित बल्तिस्तान जाना है, खूबसूरती वहां पे भी लाजवाब है, लेकिन आपको शायद 18-20 घंटे ट्रैवल करना है, यहाँ कश्मीर में जो है 3 से 5 घंटे में आप ट्रैवल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और इस उम्मीद के साथ आजाद कश्मीर में जो शजरकारी की जा रही है, शजरकारी के साथ साथ शजर परवरी का भी आप एहतमाम करेंगे। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने करीम।